So the major mixed method design कौन-कौन से हैं? सबसे पहले जो major mixed method design है, that is the convergent parallel, a concurrent parallel design. ऐसा design जो बेक वक्त काम करना होता है आप लोगों को. Data quantity, data quantitative data की collection की एनालिसिस किया, साथ ही क्वालिटेटिव डेटा की कलेक्शन एनालिसिस किया, फिर दोनों के रिजल्ट को आपस में कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया, फाइंडिंग दी और उसको इंटरप्रिटेशन दी और रिपोर्ट लिखी. दिस इज द फर्स्ट डिजाइन, द कॉन्करेंट कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन, लेकिन ये कॉन्करेंट डिजाइन है. हैव यू कन्वर्ज और ये कॉन्करेंट है, दोनों सेम वक्त में आप इन चीजों को आपस में लेके जा रहे हैं. दे माइट बी टेस्टिंग डिफरेंट थिंग्स इन दो पार्ट. नो 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 नो, बोथ आर द सेम थिंग. अभी इसके आगे हम पार्ट्स पढ़ेंगे, इसमें बताता हूं होता क्या है. रिसर्चर करता क्या था, रिसर्चर कलेक्ट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कॉन्करेंटली, इकट्ठा डेटा कलेक्ट करता है और सेम पार्टिसिपेंट्स है. जिस तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन भी छोड़े होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी छोड़े होते हैं ना स्टडी के अंदर, क्योंकि ओपन एंडेड में क्वालिटेटिव कर दिया, क्लोज एंडेड में आपने वो वाले ट्राई कर दिया. एनालाइज द टू डेटा सेट सेपरेटली एंड मिक्स द टू डेटाबेस बाय मर्जिंग द रिजल्ट ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन एंड समटाइम्स ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस फेज. Obtain a more complete and क्यों हम करते हैं, मतलब what is the purpose of the design? Obtain a more complete understanding from two databases, corroborate result from different methods को आपस में relate करना and compare multiple level within a system. हम किस तरीके से चीजों को सोचते हैं ना, ultimately जब आप close quantitative data fill करवाते हैं, जब open ended question होगा तो उसमें कदम दिल की राय इजहार कर देंगे उसके अंदर, वो चीजें शामिल होंगी. जी सर, इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सैचुरेशन पॉइंट इवन 10-15 इवन 8 तक भी आ सकता है, जबकि क्वांटिटेटिव में तो सैचुरेशन पॉइंट नहीं. अब वही कहने लगा हूँ कि जब इस तरह डेटा कलेक्ट करते हैं ना आप लोग, ये वाला डिजाइन अप्लाई करते हैं हम लोगों की बातों के साथ दोनों परसेंटेज, तो उसमें फिर क्या होगा कि आप वो जब इंटरव्यू पढ़ना शुरू करेंगे, ओपनेंडेड क्वेश्चन होंगे, तो उसमें कितना लिख देगा वो, तो उसमें भी वो चीज़ों को डल किया जाता है. फ्लां पार्टिसिपेंट हम सेग्रीगेशन करते हैं कि फ्लां पार्टिसिपेंट ने इतने परसेंट पार्टिसिपेंट हमारे इसको जो रिजल्ट आए, तो क्वांटिटेटिव तो 300 लोगों से कलेक्ट करते हैं, तो उन्हीं के क्वालिटेटिव 300 को कलेक्ट करेंगे, उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे हम किसी बेस पे. नहीं, बेस नहीं होता, जनरली हम लोगों के दरमियान वो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मैं कहता हूँ 300 का 300 लोग डाटा ले लेते हैं, लेकिन उसमें यूज बाहर लोग फिल तो नहीं ना करते, उसमें से कुछ लोगों ने फिल तो किया होगा ना उसके अंदर. जनरली ऐसा होता नहीं कि सारे के सारे फिल करेंगे, तो फिल कर देंगे तो सपोर्ट है, फिर तो आप ऑटो कोडिंग की तरफ चले जाएंगे. क्वांटिटेटिव तो आमतौर पर सारे कर देते हैं. हाँ, तो क्वांटिटेटिव बुलाया जाए आप करें तो लोग अक्सर खाली छोड़ देते हैं, लेकिन बेसिक ये होता है कि दोनों डाटा उन्हीं से कलेक्ट किया जाता है, उनको साथ दे देते हैं. जितना ज्यादा मैक्सिमम डाटा आ जाएगा उतनी ज्यादा सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगी. और इसमें हम लोग थ्योरी डेवलपिंग कर रहे हैं, जो क्वांटिटेटिव की थ्योरी है उसके रिजल्ट को सपोर्ट करवाने के लिए ले रहे हैं. इसमें थ्योरी जेनेटिक है, इसमें थ्योरी जो टेस्ट हुई है उसकी सपोर्ट लेने के लिए करते हैं. इसलिए यहाँ पे वो सैंपल का इशू जरूर आपके क्वेश्चन आया कि इसका प्रॉब्लम कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करें, लेकिन वो क्या होता है कि हम उसी के साथ रिलेट करके करते हैं. अब ये डेटा ले लिया उनसे, अब हम यहाँ पे थ्योरी प्रूव तो नहीं कर रहे ना, हम तो थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं. कंपेयर मल्टीपल लेवल विद इन अ सिस्टम. ओके, when to use this design, so can I choose this design if need to collect both types of data in one visit of the field. Both our data equal value for understanding the set problem, have quantitative and quantitative skills, those skills होने चाहिए, and can manage extensive data collection activities individually आप भी देने के लिए. अकेला बंदा ये दोनों एक्टिविटी कर सकता हो तो फिर हम इस डिजाइन में जाएंगे. जब आपको पता ही नहीं है कि इंटरव्यू कैसे लेना, तो आप इस मेथड को सोचे भी ना, फिर आप दूसरे डिजाइन के बाद. अगर आप सेपरेट सेपरेट लोगों से मिलेंगे तो लोग टाइम नहीं देंगे आपको. ओके, इस डिजाइन की फिलोसफी असम्पशन क्या है कि ये इसका अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ये प्रैग्मेटिस्ट व्यू ऑफ फिलोसफी है, और इसमें मुख्य किस्म के कौन सी स्टडीज है जो हिस्ट्री में मिलती हैं, तो द कॉमन वेरिएंट्स क्या है इसमें. तो पहला वेरिएंट्स है पैरेलल डेटाबेस, एक ऐसी स्टडी भी हुई है वो आगे डिस्कस करेंगे प्रोफेसर के नाम के साथ. उसने क्या किया है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को इकट्ठा किया, एक ऐसी स्टडी जिसमें उसने डेटा ट्रांसफॉर्म किया, और आज हम जो आखिर पे प्रैक्टिस करेंगे मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस बताऊंगा, किस तरीके से क्वालिटेटिव के डेटा क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करने के बाद हम एसपीएसएस के अंदर जो टेस्ट होता है ना, मीन डिफरेंस टेस्ट होते हैं, मीन डिफरेंस टेस्ट और टी टेस्ट वगैरह, नोवा टेस्ट हो या बाइवेरिएंट के जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो, क्योंकि इसमें बड़े टेस्ट अप्लाई होने का अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता. हो सकता किसी, मुझे अभी तक ऐसा डाटा नहीं मिला जो बिग डाटा हो,
जिसमें मेरे पास 10,000 पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके अंदर से मैं डाटा जनरेट करके एसपीएसएस में डाला, मुझे ऐसी स्टडी मुझे मिली नहीं है। वैसे जो मेरे पास एक स्टडी है मैंने वो की थी 25-30 पार्टिसिपेंट पे, उस पर मेरे टीम नोट बने हुए, तो आज मैं बताऊँगा किस तरीके से हम ये वाला डिज़ाइन यूज करते हैं और NVivo से डाटा निकाल के क्वान्टिटी फॉर्म में एसपीएसएस में डाल के मैसेज करते हैं। आज हम ये परफॉर्म करेंगे, ये लास्ट पार्ट है कि डाटा ट्रांसफॉर्म वेरीफाई, एक ऐसी स्टडी है जिसने ये वाला मेथड यूज किया, एक ऐसी स्टडी है जिसने ये वाला मेथड, एक स्टडी ऐसी है डाटा वैलिडेशन वेरिएंट, कि आपने डाटा ले लिया और उस सेकंड फेज में आपने उनसे जो है वो वैलिडेशन कर रही है कि हाँ जी आपने डाटा दिया था, बिल्कुल दिया, तो आपका समय जैसे डाटा सिक्योर हुआ था, आपने जो व्यू लिया था वो क्या था, इट मीन आपने डाटा कलेक्ट किया, उन्हीं के बाद दोबारा जाकर डाटा उन्हीं से डाटा द्वारा कलेक्ट कर दिया, तो वैलिडेशन करते होते हैं उसकी, आपने जो पढ़ा आपको समझ आई, आपको क्या फीलिंग हुई, एक तो अपना फील करवा दिया, सबसे बात करते यार इसमें तो फलाम बार डिस्कस ही नहीं की हुई जो मेरे मतलब की जो होनी चाहिए थी, तो फिर हम जब उसके साथ डिस्कशन करते हैं तो उसमें वैलिडेशन करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें तो दो चीज़ें मिल जाती है, उन्होंने क्वान्टिटी डेटा भी ले लिया, क्वालिटी भी ले लिया। तो अब ये जो स्टडी है तो कन्वर्जन डिज़ाइन ए, लेकिन इसके अंदर जो लोगों का वेरियंस वो कौन कौन से आए, पैरेलल डेटाबेस अलग-अलग मैसेज किया, दोनों के रिजल्ट मिला दिया, एक बार फैसल ने क्या किया कि डाटा लिया उसको कन्वर्ट किया और उसको रिजल्ट देने के बाद उसको फिर क्वांटिटी में कन्वर्ट किया उसको करवा दिया, और जनरली लोग इस तरह की स्टडी में मिक्स मैथड समझते हैं, तो आज मैं ये बताऊंगा कि उसमें एक मैथड है लेकिन है वो कन्वर्जेंट डिजाइन, मतलब पैरेलल कन्वर्जेंट डिजाइन क्लियर हो गया, और दूसरा है डेटा वैलिडेशन, इसमें आप डेटा देते हो उस चीज़ दोबारा क्वेश्चन का पूछते हो, क्वेश्चन में मसला पूछें आंसर दें, क्वालिटी डिफाइनिंग भी निकाल करना, तीन किस्म की मुख्य किस्म के वेरिएंट हैं कि इस तरह की स्टडी हुई है इस डिज़ाइन के अंदर रहते हुए, क्लियर। तो ये पहला डिज़ाइन था, सेकेंड डिज़ाइन है, अच्छा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या करवा जाएगी, इंटीग्रेटिव एफिशिएंट एंड लैंड स्टार्ट टू टीम, टोटली सोचना पड़ता है इसके अंदर आपको, आपकी कैपेबिलिटी लिखने की कैपेबिलिटी है, इफिशियंट है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, और उसमें आप टीम की सूरत में भी काम कर सकते हैं, यू फोकस ऑन क्वालिटी, यू शुड फोकस ऑन क्वांटिटी। इसके लिए चैलेंजेस क्या है, रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल एफर्ट एंड एक्सपर्टीज, इश्यूज रिलेटिंग टू सैंपल एंड सैंपल साइज, उधर सैंपल उधर सैंपल की शुरुआत, डिफिकल्ट टू कन्वर्ट टू सेट्स ऑफ डिफरेंट डेटा, मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए आपकी बड़ी एक्सपर्टीज हो तो कर सकते हैं, आई होप कि आप एक्सपर्टीज हैं, आज हम जब रन करेंगे NVivo में तो बताएंगे कस्टमर्स को, एंड हाउ टू रिजॉल्व डिस्क्रिपेंट रिजल्ट्स, हो सकता है ना कि उधर डेटा फिल और किया तो एक्सप्लेनेशन कुछ और दे दिया, तो डिस्क्रिपेंस होगी ना, वो किस तरीके से हम उसको जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से इशू को रिजॉल्व करेंगे, वही उस बंदे ने उधर व्यू और दिया उधर व्यू और दिया, उधर वो कह रहा है ना आई वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माय एथिकल एनवायरनमेंट, उधर वो कह रहा है, तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे इस इशू को, मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना, मैंने तो बड़े पेपर पढ़े हुए खराब हो गए, मैं क्या बताऊँ उस बच्चे को, वेरिएबल डाल करना पड़ेगा, और ऑप्शन ही कोई नहीं उसके अंदर, डाटा तो उसने जनरेट किया है, फैक्टर एनालिसिस की जाने पहली स्टडी है, फैक्टर एनालिसिस पहले स्टेप पर प्रूव हो रहा है, लेकिन लोगों ने डाटा जल्द किया हुआ मिक्स मेथड का कांसेप्ट अल्टीमेटली मतलब क्या। ओके, सेकंड डिजाइन है सिक्वेंशियल डिजाइन है, दो किस्म के सिक्वेंशियल डिजाइन है, एक एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन है, एक एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन, एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन क्या होता है, जो पहले डेटा क्वांटिटेटिव कलेक्ट करते हो उसको इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट आ जाते हैं, फिर उन रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे रिजल्ट आए हैं क्या वाकई सोसाइटी से एग्री, क्योंकि आपने 500 लोगों से डेटा ले लिया, 500 लोगों ने डेटा ले लिया, 500 लोगों ने बता दिया कि देयर इज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन प्रैक्टिसेस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या आप वाकई ऐसा है कि नहीं, आप फोकस ग्रुप कर लेते हो, नेचुरल क्वालिटी के डेटा लेते हो लोगों से फोकस, हाँ भाई आप समझते हैं कि ग्रीन प्रैक्टिसेस जो है वो इसमें इंपैक्ट डालते हैं, तो हाँ वो सब हाँ में कहेंगे जिसका मतलब वो सपोर्ट करेंगे, वो ना कहेंगे जिसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं फ्लॉ एग्जिस्ट करता है, तो इसमें पहले क्वालिटेटिव होता है बाद में क्वालिटेटिव डेटा लिया जाता है, मेजर पोर्शन क्वांटिटेटिव होता है, माइनर पोर्शन क्वालिटेटिव होता है, तो दिस इज एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल मिक्स्ड मेथड डिजाइन, और इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, स्टार्ट बाय कलेक्टिंग एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा, कलेक्ट एंड एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा इन ए सेकंड फेज एज फॉलो अप टू द क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स, फॉलो अप के लिए करते हैं क्वालिटेटिव, तो कनेक्ट द फेजेस बाय यूजिंग द क्वालिटेटिव रिजल्ट टू शेप द क्वालिटेटिव रिजल्ट टू शेप द क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन, वो जो डेटा है उसको उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हो कि वो रिजल्ट इस रिजल्ट के साथ किस तरीके से मैच होता है। पर्पस क्या है, टू यूज क्वालिटेटिव डेटा टू हेल्प एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिजल्ट दैट नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसका ये मेन मकसद है कि आप एक्सप्लेनेशन करते हो, एंड टू यूज क्वांटिटेटिव रिजल्ट टू पर्पसफुली सेलेक्ट बेस्ट पार्टिसिपेंट फॉर क्वालिटेटिव स्टडी,
to use qualitative result to purposefully select best participant. वो लोग जो आपको सच पे बहस कर सकें वो select करते हो, उसके बिना में फिर आप explanation देंगे. अगर बात करते हैं कि इस डिजाइन को चूज कब करना चाहिए, when to use, तो अगर researcher and research problem are quantitatively oriented. आप देखते हैं problem मसला quantitative है, इस पे बहुत सारी बहस हो चुकी हुई है. बहुत सारी theory ऐसी है दुनिया में बड़ी in-depth discussion है, पर हमारे मुल्क के अंदर उसके ऊपर डिटेल अच्छे नहीं आते. मैंने आपके सामने जो एग्जांपल दी कि मैं पहले क्वांटिटेटिव करूंगा, अब वो क्वांटिटेटिव तो कर लिया, रिजल्ट भी आ गए, अब ऐसा क्यों हुआ, क्वालिटेटिव पे चला जाऊंगा. अब उसके लिए मैं तमाम लोगों के दोबारा इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं तमाम लोगों के दोबारा इंटरव्यू अच्छा आप होंगे क्यों ऐसा समझते हैं, कोई तो रीजन तो है कि चलो. नो इंपॉर्टेंट वेरिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट और वेरिएबल पार्टिसिपेंट अवेलेबल फॉर सेकंड डेटा कलेक्शन, ये भी आपको होना चाहिए. हैव टाइम टू कनेक्ट टू फेजेस. अभी अल्टीमेटली पहले हमने 4 महीने लगा के स्टडी यूनिट किया, 2 महीने फिर उस पर वेस्ट हो गया. Sir, will you agree that as humanity ka time guzarta ja raha hai to hamare problems jo hain they are becoming more quantitative, pehle qualitative theories hoti thi lekin iske bawajood uske andar log jab responding karte the to qualitative pe jana banta hai to ab hum mix karte hain isliye look kar rahe hain ye hai hum hamare masail quantitative logon ne qualitative pehle kar diye hue the zamane mein quantitative masail kaam karne shuru kiye par har jagah pe quantitative theory apply nahi hoti. मुझे मैं यही परेशान हूँ कि वो बंदा जिसका 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, कनाडा में जा बोल रहा था पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ, उसको रिसर्च कर रहा मेरे साथ और वो कह रहा था वो सारी एथिकल और यहाँ पे वो कह रहा है मेरे पेज डिजीज नहीं मिलती, बट है तो क्वांटिटेटिवली सब कुछ ठीक था, मैं तो रेप्लिकेट कर रहा हूँ ना तरह की बात करते हैं. देखिए क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं रेज हो गए, इसका मतलब मैं नहीं मानता इस चीज़ों को अप्लाई, तो क्वेश्चन को नहीं रेज होते रहते हैं क्योंकि हम चीजों को लाल हो रहे हैं, चीजों को पढ़ते जा रहे हैं क्वालिटेटिव नहीं कर रहे हैं. लेकिन मकसद ये है कि अब मेरे जहन में क्वेश्चन है, हो सकता है रिसर्च ने किसी ने डिस्कस किया हो इसके ऊपर, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रियल टाइम सोल्यूशन में जाओगे. और वैसे भी जब आप लोगों ने मसाइल को हल करना है फिर तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है. और मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस है, I'm not love to have a publication. I love what I'm contributing to society. मेरी रिसर्च की वजह से फायदा क्या होगा? मेरा ये फोकस होना चाहिए. अपना ब्लॉग बनाए, अपनी वेबसाइट बनाए, फिर जाके शेयर करें कि मैं ये चीजें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इससे मेरी सोसाइटी में तब्दीली आएगी, ये मैंने इंडस्ट्री का एक मॉडल डिजाइन किया है, अगर इंडस्ट्री इस तरह में इन्वेस्ट करेगी तो ये बेहतर आएगी. अगर इंडस्ट्री हमने एप्लीकेशन दे दी वो हमारे सोसाइटी में नहीं शामिल है, तो उसके लिए अल्टीमेटली आप क्वालिटेटिव ज्यादा काम करेंगे. जी ओके, फिलोसफिकल अजम्पशन की बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहता है बिगिन फ्रॉम पोस्ट पॉजिटिविस्ट फॉर द क्वांटिटेटिव फेज. इसमें हम पहले क्वांटिटेटिव लगाते हैं एंड देन शिफ्ट टू द कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉर द क्वांटिटेटिव. इसमें हम प्रैग्मेटिज्म पे फोकस नहीं रखते. और कॉमन वेरिएंट्स क्या है जो अभी तक दो में, कहता फॉलो अप एक्सप्लेनेशन वेरिएंट है कि क्या हुआ कि पहले रिजल्ट टेस्ट कर ली फिर बाद में लोगों से एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ऐसा क्यों समझते हैं आप लोग फॉलो अप है. और पार्टिसिपेट सिलेक्शन वेरिएंट है कि आपने इसके अंदर क्या किया कि पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन चूज कर ली, कि आपने जब क्वांटिटी डेटा लिया फिर उसमें से पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करके उनके एक है फॉलो अप एक्सप्लेनेशन, उसी वजह फॉलो अप ले लिया, डेटा लिया बाद में फॉलो अप उनसे हर एक लिए, कोई नहीं आप डेटा ले लिया रिजल्ट आ गया आप उसे कोई 4-5-6 लोग चूज करके ले लीजिए. दो किस्म की स्टडी जो हिस्ट्री में मिलती है इसके ऊपर. स्ट्रेंथ क्या है इसकी, अपीलिंग टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च. लोग कहते हैं इसमें सारा काम ही क्वांटिटेटिव के बाद एक दो इंटरव्यू कर लेंगे, 4 इंटरव्यू कर लेंगे तो रिजल्ट मिल जाएंगे. स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इंप्लीमेंट टू फेजेस, फाइनल रिपोर्ट कैन बी रिटन इन टू फेजेस, लेट दिस स्टार्ट टू इमर्जेंट अप्रोच. इमर्जेंट ज्यादा होती है इसके अंदर, फिक्स काम इमर्जेंट ज्यादा अप्रोच होती है. चैलेंजेस क्या है कि टू फेज रिक्वायर लेंथी टाइम टू इंप्लीमेंट, डिफिकल्ट टू सिक्योर आईआरबी अप्रूवल, मतलब जो इंटरनल सर्च बोर्ड होता है, व्हेन सेकंड फेज कैन नॉट बी स्पेसिफाइड बिफोर फर्स्ट फेज कंप्लीट, नीड टू डिसाइड व्हाट रिजल्ट टू फॉलो अप, मस्ट डिसाइड क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग पार्टिसिपेंट एंड नीड टू कॉन्टेक्ट पार्टिसिपेंट फॉर ए सेकंड राउंड ऑफ डाटा कलेक्शन. तो ये सारे मसायल हैं, लोग टाइम देते हैं नहीं देते हैं, चीजें कैसे लेकर चलते हैं. क्लियर हो गया? सो अभी तक कुछ है तो मुझे पूछ ले तो फिर हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करें. ओके जी,
सो अभी हमारा है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन. एक्सप्लेनेटरी के बिल्कुल वर्स, एक्सप्लेनेटरी में पहले क्वांटिटेटिव को डिस्कस किया जाता था, फिर हम क्वालिटेटिव की मूव करते हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले क्वालिटेटिव पर एनालिसिस करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, वर्क करेंगे, उसका स्केल बनेगा, सारे वेरिएबल्स आएंगे, डेटा कलेक्ट होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. इट मीन द थ्योरी जनरेशन से लेकर थ्योरी टेस्टिंग तक का सारे का सारा प्रोसीजर हम इसी डिजाइन में करते हैं. दिस इज एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल मिक्स मेथड डिजाइन. और इसके क्यों यूज करते हैं, रिसर्चर कलेक्ट एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा फर्स्ट फॉलोड बाय क्वांटिटेटिव डेटा, एनालाइज द क्वालिटेटिव डेटा एंड यूज इट टू बिल्ड ए सबसीक्वेंट क्वांटिटेटिव फेज, कनेक्ट द फेजेस बाय यूजिंग द क्वालिटेटिव रिजल्ट टू स्लो शेप द क्वांटिटेटिव फेज बाय स्पेसिफाइंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स, डेवलपिंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड जनरेटिंग टाइपोलॉजी के आपने जो थ्योरी की है उसको दोबारा से टेस्ट करते हो क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. पर्पस क्या इसका, टू फर्स्ट एक्सप्लोर बिकॉज वेरिएबल थ्योरीज हाइपोथेसिस नॉट नोन, किसी भी एरिया पे काम करते हैं, किसी भी नॉवल एरिया पे काम करते हैं. टू डेवलप एन इंस्ट्रूमेंट टोपोलॉजी दैट इज नॉट अवेलेबल, आप कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना चाहते हैं इज नॉट अवेलेबल. टू असेस वेदर क्वालिटेटिव थीम्स जनरलाइजेबल टू द पॉपुलेशन, अल्टीमेटली जब थ्योरी बना लेंगे क्या ये थ्योरी वाकई एग्जिस्ट करती है, फिर आप क्वांटिटेटिव इसको प्रूव करने की जो है वो कोशिश करेंगे. चूज दिस डिजाइन if researcher and research problem are qualitative oriented. वो जो डिजाइन था वो क्वान्टिटिव ओरिएंटेशन, ये डिजाइन क्वालिटेटिव ओरिएंटेड करता है. इंपॉर्टेंट वेरिएबल नॉट नोन एंड इंस्ट्रूमेंट नॉट अवेलेबल, इंपॉर्टेंट वेरिएबल नॉट नोन एंड इंस्ट्रूमेंट नॉट अवेलेबल, हैव टाइम टू कंडक्ट टू फेजेस, हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नीड टू कलेक्ट एंड एनालाइज वन डेटा टाइप एट अ टाइम, आपने एक वक्त में एक ही डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करना है. एंड न्यू क्वेश्चन हैव इमर्ज फ्रॉम क्वालिटेटिव रिजल्ट, जब आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो आपके न्यू रिजल्ट इमर्ज होते हैं, आपने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है. ठीक हो गया, तो न्यू क्वेश्चन हैव इमर्ज फ्रॉम क्वालिटेटिव रिजल्ट्स. इसके जो फिलोसफिकल असम्पशन है ये भी दो किस्म के फिलोसफिकल व्यूज है, पहले कंस्ट्रक्टिव व्यूज होगा, मेन कंस्ट्रक्शन व्यूज की तरफ जाएंगे, फिर आप पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ जाएंगे. हम इसको प्रैग्मेटिज्म नहीं कह सकते. और इसमें जो दो किस्म के वेरिएशन मिलते हैं, जो दो किस्म की स्टडीज के जी प्रैग्मेटिज्म को थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म मैंने बोला जो जिसमें दोनों डिजाइन सेम वक्त में यूज हो, इसमें एक एक दफा एक एक दफा, इसका मतलब दो डिफरेंट आगे पीछे डिजाइन चल रहे हैं इसके अंदर. तो किसी में जो कॉमन वेरिएशन आई है जो अभी तक थ्योरीज कनेक्ट हुई है स्टडी के अंदर, एक थ्योरी डेवलपमेंट है जिसमें इन लोगों ने इस डिजाइन को इस्तेमाल किया थ्योरी डेवलपमेंट के अंदर, और सेकंड जो लोगों ने इसको इस्तेमाल किया वो किसमें इस्तेमाल किया, इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट में. इट मीन के अभी मैंने जितने भी डिजाइन दिए साथ में वेरिएशन दे रहा हूं ताकि आपके पास मैक्सिमम मिक्स मेथड के जो डिजाइन है पता हो कि हमने करना क्या है. ये सारे जो वेरिएंट है आपको क्या एक्सप्लेन करेंगे, हमने थ्योरी कौन सी ट्राई करेंगे, डिजाइन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉमन वेरिएंट क्या है. ओके, इसकी स्ट्रेंथ क्या है इस डिजाइन की, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिजाइन इंप्लीमेंट एंड रिपोर्ट क्वांटिटेटिव कंपोनेंट कैन मेक द क्वालिटेटिव अप्रोच मोर एक्सेप्टेबल टू द क्वांटिटेटिव बेस. लोग जब क्वालिटेटिव आते हैं, जब क्वांटिटेटिव पे लेके आते हैं तो ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं. रिसर्चर प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट सच एन इंस्ट्रूमेंट एंड लेट्स इट स्टार्ट टू इमर्जिंग अप्रोचेस, क्योंकि इमर्जिंग है ना, कि आप क्वालिटेटिव करते करते आता है कि यार इसमें तो ये थ्योरी बन गई. क्योंकि जब आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हो, एक्सप्लोर करते हो चीजों को, जब मॉडल बन जाता है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, तो स्वर्ग में आप फिर इसको इमर्जिंग थ्योरी के साथ अप्लाई करते हो. अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो टू फेजेस रिक्वायर लेंथी टाइम टू इंप्लीमेंट, डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई क्वालिटेटिव प्रोसीजर व्हेन अप्लाइंग फॉर इनिशियल आईएलबी अप्रूवल एंड मे हैव टू अप्लाई ट्वाइस डिसाइडिंग ए क्वालिटेटिव फाइंडिंग टू यूज फॉर क्वांटिटेटिव फेज प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग ए वैलिड एंड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट. इसमें भी हर स्टडी में चैलेंज है, लेकिन हमने यूज करना है अपने रिजल्ट को ओरिएंट करने के लिए. ओके जी, नेक्स्ट डिजाइन है द एम्बेडेड डिजाइन, एम्बेडेड मिक्स मेथड डिजाइन. आप क्या करते हैं इसके अंदर, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फेज यूज होते हैं. अगर आपका क्वालिटेटिव मेन फेज है क्वालिटेटिव, उसके अंदर आप क्वांटिटेटिव को पुट कर देते हो. अगर आपका मेन फेज क्वांटिटेटिव है, आप उसके अंदर क्वालिटेटिव का फेज पुट कर देते हो. कि डेटा आपने कलेक्ट कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन आपने दरमियान में सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन शामिल कर दिए.
आपने कुछ स्ट्रक्चर दे दिए, कुछ अनस्ट्रक्चर दे दिए. आप पहले डेटा जो थे वो क्वान्टिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे थे, दरमियान में कोई एक दो पोर्शन इंटरव्यू का डाल दिया, मतलब कोई ना कोई पोर्शन इसके दरमियान हम लोग इमर्ज कर देते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा कि मेन डिजाइन में लिटिल बिट पोर्शन जब शामिल करेंगे तो एम्बेडेड डिजाइन है, उसके अंदर इम्बेड है, वो एक डिजाइन इम्बेड कर दिया गया, तो उसको हम इंटरव्यू करते हैं एम्बेडेड डिजाइन. Okay, the researcher collector analyzes quantitative or qualitative data with a qualitative research design. Qualitative research design or research procedure, जो भी procedure है उसके मुताबिक करता है. अगर quantitative है तो qualitative विधि में और उसके अंदर, मतलब उसके अंदर design होगा, ये उसके अंदर पाया जाएगा. Quantitative है तो qualitative, तो होंगे primary design, supplement design. Primary design करो, उसके अंदर design कौन सा है, उसके अंदर supplement कौन सा है. Collection and analysis of secondary data set occurs before, during and after the primary methods. Collection and analysis of secondary data set occurs before, during and, मतलब आपने पहले थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो मेजर क्वांटिटेटिव पे चले. अक्सर क्या कहा जाता है कि आप कोई प्रॉब्लम लेके आए, आप वो प्रॉब्लम क्वालिटेटिव स्टडी क्रिएट करके प्रॉब्लम लोग देते हैं, फिर उसको क्वांटिटेटिव वर्क स्टार्ट कर देते हैं. तो ये प्राइमरी मेथड जो मेन मेथड है उसके अंदर जो सप्लीमेंट मेथड होगा वो उसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होगा, थोड़ा सा इंटीग्रेट, वो ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा. उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं एम्बेडेड डिजाइन. ये क्यों हम करते हैं, व्हाट इज द पर्पस, टू एड्रेस डिफरेंट क्वेश्चन दैट कॉल फॉर डिफरेंट मेथड, टू एनहांस एन एक्सपेरिमेंट सच एज बाय इंप्रूविंग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, एग्जामिन द इंटरवेंशन प्रोसेस, एक्सप्लेनिंग द रिएक्शन टू पार्टिसिपेशन. ये मुझे किसी भी उसने एग्जाम्पल देंगे कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, यू आर सेटिस्फाइड, हमें कहते हैं अब आपकी सेटिस्फेक्शन मजीद कैसे बेहतर की जा सकती है. स्टडी तो क्वांटिटेटिव है पर फिर सारे क्वेश्चन करने के बाद सेटिस्फेक्शन कैसे बेहतर की जा सकती है, हमने उसको क्वालिटेटिव फेज में डाला है. तो थोड़ा सा पोर्शन में डिस्कस करेगा. और जनरली आजकल क्या होता है, जब रिजल्ट सारे हो रहे होते हैं हम दरमियान में क्या करते हैं, आखिर हमने अपने रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए हमने दो लोगों को फोकस भी किया और रिजल्ट को डिस्कस की जिसमें हमें ये इंसाइट्स मिली. वो मेजर पोर्शन की बजाय आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी डिस्कस हो रही है, मेजर पोर्शन की बजाय आप उसको स्मॉल पोर्शन पे बात कर रहे हो, ठीक हो गया ना, कि आप स्मॉल पोर्शन जो है उसके अंदर डिस्कस करते हैं. तो ये वाला डिजाइन आपका एम्बेडेड डिजाइन होगा. आपने मेजर स्टडी कर ली क्वांटिटेटिव या मेजर स्टडी कर ली आपने क्वांटिटेटिव, लेकिन उसके अंदर जब आ सकते, अभी रिसेंटली मैंने एक पेपर यूरोपियन जर्नल का पेपर स्वीपी पे लिया है, तो उसमें भी उन्होंने सारा अपनी क्वांटिटेटिव फोकस किया, लेकिन लास्ट पे उन्होंने कंक्लूजन के पैराग्राफ बताया कि हमने एक फोकस क्रिएट किया जिसमें हमने फाइंडिंग को जनरलाइज करने की कोशिश की. तो ऐसे डिजाइन एम्बेडेड डिजाइन के रूप में आया. Okay, when to use this design, if have expertise with primary design, have a primary expertise is on this paper, are comfortable with the primary orientation and have little prior experience with the supplement. That is a little bit of knowledge of focus group that you have to do. This primary method pe aapke liye zyada strong hona chahiye. And the sources limit placing equal priority on both method and need for a secondary data set emerge. यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड डेटा इमर्ज होती है जिसके अंदर आपने चीजों को लेकर चलना होता है. और रिसोर्सेज अल्टीमेटली आपके हमेशा ही लिमिटेड होते हैं जब भी आप रिसर्च करनी होती है. ओके, इसके मेरिट डिजाइन की फैसिबल असम्पशन क्या है, कहता है वर्ल्ड व्यू मे रिफ्लेक्ट द प्राइमरी अप्रोच यूज प्रोबेबिलिटी फॉर अ कंकरेंट अप्रोच आर शिफ्ट इन ए सीक्वेंस. अब डिपेंड करता है कि आपने दोनों सेम टाइम पे डेटा लिया. अगर सेम टाइम पे डेटा लिया तो फिर आप तो प्रैग्मेटिज्म पे है. अगर आप सेम टाइम पे नहीं ले रहे, आपने पहले क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव फिर क्वालिटेटिव, तो आप उसके मुताबिक पे डिसाइड करेंगे कि आपने पहले कंस्ट्रक्शन थे या पोस्ट कॉस्टिंग थे. ये आप पे डिपेंड करता है. इसमें काफी सारी स्टडी जो है ना वो पब्लिश हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा ये वाली स्टडी होती है. कॉमन वेरियंस क्या है, एम्बेडेड एक्सपेरिमेंट आपने एक्सपेरिमेंट डाल दिया, एम्बेडेड कोरिलेशनल स्टडी आपने ले ली है, एम्बेडेड इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, मिक्स मेथड केस स्टडी, मिक्स मेथड नैरेटिव रिसर्च, मिक्स मेथड एथनोग्राफी. क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन आप कर तो वो रहे होते हैं, मैं आपने थोड़ा सा क्वांटिटी का पोर्शन शामिल करके उसकी ग्राफ शाफ शो कर दिए, मीन मीडियन. अब अक्सर स्टडी यही होती है, क्वालिटेटिव होती है, मीन मीडियन मोड डाल के आप लोग उसको क्वांटिटेटिव बनाने की कोशिश कर देते हैं. तो इसमें इस तरह के डिफरेंट किस्म के मिक्स मेथड वो शामिल है. स्ट्रेंथ क्या है इसकी, मे रिक्वायर लेस टाइम एंड फ्यूर रिसोर्सेज एज कंपेयर टू अदर डिजाइन. इसमें आपने एक दो लोगों का काम करना है, ज्यादा आपने इन डेप्थ साफ की जरूरत भी नहीं पड़ती. इंप्रूव द लार्जर डिजाइन विद सप्लीमेंट डेटा, फिट टीम अप्रोच वेल, मे बी एबल टू पब्लिश रिजल्ट सेपरेटली. आप कर सकते हैं वैसे अपीलिंग टू दोज अकस्टम टू ट्रेडिशनल डिजाइन, जो ट्रेडिशनल कहते हैं फोकस अपने पे करना, दरमियान में थोड़ा सा पोर्शन जो है उसमें इंटीग्रेट कर.
अगर चैलेंजेस की बात करते हैं, नीड एक्सपर्टीज इन प्राइमरी डिजाइन एंड मिक्स मेथड्स, मस्ट स्पेसिफिक पर्पस फॉर कलेक्टिंग द सप्लीमेंट डाटा, मस्ट डिसाइड व्हेन टू कलेक्ट इन सप्लीमेंट डाटा, रिजल्ट्स आर डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, मस्ट कंसीडर ट्रीटमेंट बायस एंड क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्टिंग ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, मस्ट कंसीडर ट्रीटमेंट बायस, ये है कि आप जो डाटा लेते हैं तो बायसनेस का हो सकता है। तो अभी मैं रिसेंटली कह रहा, मैं पेपर रिव्यू किया, मैंने पेपर को रिजेक्ट कर दिया, उसकी रीजन क्या थी कि रिजल्ट were not properly integrated. उसमें कुछ reason लाजी ने control में reason में focus उठ किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, ये क्या लाजी हुई? उन लाजी की बिना पे चीजों को आपस में integrate करना चाहिए। Okay जी, next design है जी transformative design. ये भी आप लोगों को explanatory जो है जो sequential design है उससे मिलता है, जो तरह नजर आएगा same to same diagram उसकी जो है। पर problem क्या है कि यहाँ पे आप लोग जब आप ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन के, आप सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म चाहते हैं, आप पहले एविडेंस इकट्ठे करते हैं, एविडेंस की बेस पे आप चीज़ों को फिर इन डेप्थ में एक्सप्लेन करते हो, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर उनको इंप्लीमेंट करने की डिमांड करते हो। इसमें ऐसा है ये सिक्वेंशियल डिजाइन, लेकिन उसके अंदर जो हमारा व्यू होता है कंस्ट्रक्शनिस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ठीक है ना, मतलब पोस्ट पॉजिटिविस्ट टू कंस्ट्रक्शनिस्ट, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का व्यू और यहाँ पे आपकी सारी सोच कोलैबोरेटिव है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव या पार्टिसिपेटिव रिसर्च डिजाइन को फॉलो, रिसर्च डिजाइन के डिफरेंस है, वहाँ पे प्रैग्मेटिस्ट हो सकते हैं या आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट या कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो जेन होगा उनका अलग ट्रांसफॉर्मेटिव, आप उस नजर से छोड़ छोड़ो। कहता है यूज ए थ्योरेटिकल बेस्ड फ्रेमवर्क टू एडवांस नीड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, आपने बताना क्यों लोगों पे काम करना जरूरी है, कलेक्ट एनालाइज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा कंकरेंटली, आप सीक्वेंसली जिसका मर्जी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और पर्पस है टू कंडक्ट सर्च दैट इज चेंज रिलेटेड सीक टू एडवांस सोशल जस्टिस का, बेसिकली सोशल जस्टिस के ऊपर काम हुआ था। चूज दिस डिजाइन इफ सीकिंग टू एड्रेस इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस एंड कॉल फॉर चेंज, focus on the needs of underrepresented or marginalized population, have a good working knowledge of theoretical framework and can conduct the study without further marginalizing the population under study, matlab aap ultimately ye nahi ki paise lene ke liye kaam karna hai, dusra aapka focus hai ek cheez hota hai, maine society ka masla hal karna hai, isme bade sare log milte hain jo aapko ngo type apne aap ko keh rahe hote hain, to un cheezon ko hal karne ki koshish mein lage। इसकी assumption भी वो बोला कि transformative paradigm है ये, provide the overarching assumption for using mixed method, common variant cap, feminist lens, disability lens, social economic class lens, इस तरीके से जो study है जो history में discuss हो चुकी है। Strength क्या है design की, study position within a transformative framework, help to empower individuals and bring about change, participant play a participating role, produce results useful to community members and carryable to the state। बट बिसाइड इसे चाहे बात करें, लिटिल गाइडेंस इन द लिटरेचर अप्रोच मे नीड टू बी जस्टिफाइड, ठीक है, एंड मस्ट डेवलप ट्रस्ट विद पार्टिसिपेंट एंड कनेक्शन सच इन ए कल्चरली सेंसिटिव वे। आप जब हैरेसमेंट की बात करेंगे, आप किसी भी विक्टिम के ऊपर सर्च करेंगे, तो आपको डेटा नहीं देगा, तो इसका मतलब आप उसकी फीलिंग, उसकी सेंसेशन, उसकी सोशल वैल्यूज, फिर उसकी कही हुई बातें, सीक्रेट्स, उन सब चीजों को लेकर चलना। और जनरली आजकल इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होता है मीडिया, वो की रिपोर्ट बनाते हैं, उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, जो मेरे मुताबिक रिटन फॉर्म में न्यूज़पेपर, एक आर्टिकल क्या होता है जो न्यूज़पेपर में, वो यही होता है, लेकिन वो एक सहाफत का वैल्यू चेंज होगी ना हमारे यहाँ पे, वरना वो यही चीजें होती थी जिनको हमने स्प्रेड करते हैं, वो सारे पार्टिसिपेटिव टाइप रिसर्च डिजाइन में काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डिजाइन है हमारा द मल्टी फेज डिजाइन, ये हमारा लास्ट डिजाइन है मिक्स मेथड डिजाइन में, इसमें मल्टी फेज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के ऊपर इस्तेमाल होता है, आप स्टडी वन क्वालिटेटिव करते हो, फिर आप क्वांटिटेटिव करते हो, फिर आप क्वालिटेटिव, फिर क्वालिटेटिव, फिर क्वालिटेटिव, जिस तरह आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस पर चलते हैं, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल का प्रोसेस है, आप इन चीजों को आपस में लेकर चल जाते हो। द रिसर्चर एग्जामिनर है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो भी कंट्री लेवल पे ऑब्जेक्टिव है हम उसको प्रेजेंट करने चाहते हैं, इंप्लीमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ कनेक्टेड क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, बिल्ड ईच न्यू स्टडी ऑन व्हाट वाज डन प्रीवियसली, हमेशा प्रीवियस को ब्रेक सर अटैच करके बनाया जाता है। चलिए लॉन्गिट्यूडनल रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन में भी लग सकता है, कुछ होते हैं ना जो पास्ट में हम देते हैं फ्रॉम टाइम लाइन, नहीं वो क्वालिटेटिव डाटा है होता है उसके अंदर, उस बेस पे पहले कर ली, फिर उसकी बेस पे आगे क्वालिटेटिव शुरू हो जाएगी, आगे चेंज कर चेंज होते रहे फिर प्रोस्पेक्ट, हां फिर टाइम चेंज होती टू डैश ए सेट ऑफ इंक्रीमेंटल क्वेश्चन दैट एडवांस वन प्रॉब्लम,
मेट्रिक ऑब्जेक्टिव जो भी आपका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है उसको एडवांस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. चूज द डिजाइन ऑफ कंट्रोल फील्ड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विद अ सिंगल मिक्स मेथड स्टडी हैव एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल रिसर्च हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड फंडिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो शिविर नहीं कर सकते. हैव अ टीम दैट इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स प्रैक्टिशनर्स एंड रिसर्चर्स. अकेला बंदा इसमें काम नहीं कर सकता, पूरी टीम का काम होता है. एंड हैव इमरजेंट क्वेश्चन अराइज एट डिफरेंट स्टेजेस. यू नो रोड हर कंट्री अपने लेवल पे करता है. आप मुझे नहीं पता पाकिस्तान में अदारे जरूर हैं, पब्लिक पॉलिसी स्कूल है, अमेंडमेंट स्कूल है, इनके सी एस एस ऑफिसर के स्कूल्स हैं, आर्मी के स्कूल्स हैं जिनके अंदर स्टाफ हैं जिनके अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं. आप क्या ये प्रॉपर अप्रोचेज यूज करें, टोटली अनअवेयर ऑफ इट. लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे फंडिंग, इंजीनियर लेवल की फंडिंग है जो इन चीज़ों करते हैं, उन चीज़ों से ड्रा करने की कोशिश करते हैं और वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ऑन द बेस ऑफ दी स्टडीज एंड रिसर्च. अगर खास के ऑप्शन देखे जाए कदर वेरी डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट स्पेसिफाइज परमिटिज्म फॉर कॉन्करेंट. फिर वही बात आ जाती है कि आपका इसमें डिजाइन अगर तो आप सारे मेथड एक दफा लगा रहे हैं फिर तो कॉन्करेंट परमिटिज्म. अगर सीक्वेंस में जा रहे हैं तो फिर सीक्वेंस कंट्रोल में डिसाइड करेंगे. कॉमन क्या है इसमें जो अभी तक स्टडी हुई है, लार्ज स्केल प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड वैल्यूएशन प्रोजेक्ट, मल्टी लेवल स्टेट वाइड स्टडीज, सिंगल मिक्स मेथड स्टडी दैट कंबाइन बोथ कॉन्करेंट एंड सीक्वेंशियल फेसेस. मतलब कहीं पे आपने कॉन्करेंट डेटा ले लिया, कहीं पे आपने सीक्वेंशियल डेटा ले लिया मुल्क के अंदर दूसरे हालात के अंदर. इट मीन जब हम पाकिस्तान में किसी भी एरिया पे कोई बंदा रिसर्च करता है लाहौर के अंदर डेटा लोग टाइम नहीं देते, इसका मतलब यहाँ पे हम क्वान्टिटेटिव लेंगे. अगर आप किसी गांव में किसी विलेज में जाकर डेटा लेंगे तो इतना के थोड़ा सा फ्री टाइम होता है उनके साथ क्वेश्चन फिल नहीं करवा सकते, वो पढ़े लिखे फिर इस वक्त हम आगे इंटरव्यू पर डेटा लेंगे. ठीक है, उनके लिए ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे, इनके लिए ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट. लास्ट के लास्ट प्रोजेक्ट तो वहाँ पर मुख्य किस्म के वेरियंट पड़ जाते हैं. लेकिन ये जनरली हमारे लेवल पर नहीं, अगर किसी कॉर्पोरेट के साथ अटैच होते हैं तो वहाँ पर डिजाइन आपको अलग करता है. सिंपल मेथड डिजाइन इसका यूज होगा. स्ट्रेंथ क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू टेस्ट इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस कैन पब्लिश इंडिविजुअल रिजल्ट व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू ऑब्जेक्टिव फिट्स प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट वेल प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मल्टीपल स्टडीज ओवर द एरिया. मल्टीपल स्टडीज आप कर रहे हैं तो उसको वीकनेस में भी देखेंगे. मस्ट एंटिसिपेट टिपिकल चैलेंजेस विद कंपोनेंट एंड सिचुएशन क्वेश्चन. हाउ इज इट पॉसिबल, आपकी बिजनेस शामिल हो जाती है, आप डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, पार्टिसिपेंट का उर्दू का क्वेश्चन किसी और से तरीके से समझता है, इंग्लिश का क्वेश्चन किसी और तरीके से समझता है. नीड सफिशिएंट सोर्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट इफेक्टिवली कोऑपरेटिंग ऑन अ टीम. हाउ टू मीनिंगफुली कनेक्ट इंडिविजुअल स्टडीज, दो शहरों की स्टडी को कैसे मिला सकते हैं. मे नीड टू ट्रांसलेट सच इनटू प्रैक्टिस रिक्वायर्स मल्टीपल आईबी एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन जब आप किसी यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं. ओके, सो ये जो सारा प्रोसीजर था इसमें हमने सारे डिस्कस किए. अभी जो नेक्स्ट फेज है वो है डिस्क्राइबिंग एंड डिजाइन इन ए रिटन रिपोर्ट. अब आप इसमें लिखते हैं तो क्या करेंगे, इंक्लूड एन ओवरव्यू ऑफ पैराग्राफ दैट एड्रेस एंड टाइप्स ऑफ मिक्स मेथड डिजाइन, कौन सा यूज किया, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजाइन, लेवल ऑफ इंटरेक्शन, टाइमिंग, प्रायोरिटी, मिक्सिंग डिसीजन, द रैशनल फॉर यूजिंग द डिजाइन एंड रेफरेंस ऑन द डिजाइन फॉर द मिक्स मेथड पेपर. ये चार पॉइंट अभी आपने इसके ऊपर लिखना है तो दिस फोर पॉइंट्स आर नेसेसरी टू मेंशन.